क्रिसस तनि माता हजुर हजुर कई पाहु महाजलंग महाजली धरण गरी रही छु युवै तारणले सबु पापनन गर्नेहरूको पखाली रहेछु जलकै जलमधन बटा हुवै वर्षा धारण गराई। टेलिभिजनबाट हेरेर बस्ने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई श्री स्वस्थानी माताको व्रतहरू हामी कुरा गर्दै गरेका छौँ। अब म मुक्तिनाथको कुरा गर्न चाहन्छु। आज मुक्तिनाथको सेरोफेरो मात्र कुरा गर्छु। मैले यसमा कुनै पनि टपिकहरू जोड्ने छुइनँ। कुनै पनि भगवान्का भक्तिहरूले भनेका प्रवचनलाई मैले फरक चाहिँ गरेको छु, किनभने यो चाहिँ हामी सम्पूर्ण भक्तजनहरूबाट गलत भयो। यसलाई सत्यको बाटोमा लानुपर्छ, सही बाटोमा डोर्याउनुपर्छ भन्ने भावना रहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि मात्र मैले यो प्रवचन दिएको हो। तपाईँहरूले भगवान्को हरेरामको एउटा, कृष्णको एउटा, शिवको एउटाको कुरा म अंश बन्द गर्न चाहन्न। देवताको नाम तपाईँहरू जस्तो किनबेच गर्न चाहन्न, तपाईँहरू जस्तो ठग ज्योतिषी बन्न पनि चाहन्न, तपाईँहरू जस्तो लुटेर खाने साधु सन्तु पनि बन्न चाहन्न। त्यस कारणले गर्दा म सत्यको बाटोमा हिँड्छु। सम्पूर्ण देव 33 कोटी देवी देवताको एकैचोटि पूजा गर्नुपर्छ भन्ने भक्त हुँ म, र अन्नपूर्ण आमालाई मन्दिरमा चढाउनुहुन्न भन्ने पनि भक्त हुँ म। त्यस कारणले गर्दा बलि पनि चढाउनुहुन्न भन्ने भक्त हुँ। त्यस कारणले हजुरहरूले प्रवचन सुनेर मात्र मसँग न्यु खोज्ने कार्य गर्नुहोस्। हजुर जस्तो चाहिँ जुन भक्त हुनुहुन्छ त्यो शैलीले तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ आफै पताउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। किनभने भगवान्का नाममा किनबेचको भाँडो बनाउनु भएको छ। किनबेच नगर्न हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज मैले मुक्तिनाथको कुरा गरेको छु। हामीले अहिलेका भक्तजनहरूले 2020 मनाइराख्नु भएको छ, मनाउँदै हुनुहुन्छ, तर यो 2020 नमनाउनुहोस् भनेर मैले प्रवचन अन्य ठाउँबाट पनि भने तर मेरो कुराको सुनवाई भएन। भगवान्को कुराको, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा होइन, यो भगवान्को विचारको कुरा हो, भगवान्को भित्री मनको कुराले भनेको थिएँ, तर हजुरहरूले विश्वास गर्नु भएन। हामी श्रद्धालु भक्तजनहरू गैया काशी जान्छौँ, हामी तपाईँको सर्भर जान्छौँ, मानवर सर्भर भन्ने गइन्छ, त्यो त्यहाँ जान नसक्ने या जानै पर्छ भन्ने भावना छैन। हामीले सर्भर मानसर जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। तपाईँले मानसर जान नसक्ने हो भने गोसाई कुण्डको कुण्डमा गएर सात ताली नहुनुहोस्, एकैचोटि सात ताली डुबेर नहुनुहोस्, त्यो अत्यन्त फलदायक हुनेछ। र अर्को कुरा, मुक्तिनाथ र गोसाई कुण्डको मैले यो दुई पाटो मात्र जोड्ने छु। मुक्तिनाथको धेरै जोड्छु, गोसाई कुण्डको कमै जोड्छु। र सर्भर जान नसक्ने भक्तजनहरूले गोसाई कुण्डमा सात ताली नहुनुहोस् र सात ताली डुबुल्की मारेर त्यहाँबाट हामी मुक्तिनाथको यात्रा गरौँ। मुक्तिनाथको यात्रा गरिसकेपछि मुक्तिनाथमा हामीले कमसेकम 7 दिनदेखि 21 दिनसम्म ध्यान गर्न सक्नु पर्यो। त्यो ध्यान प्राप्त गर्नाले हामी मुक्तिको बाटो या आफूले गरेको सबै पापहरू पखालिने मुक्तिको दर्शन, भगवानको दर्शन पाउन सकिन्छ मनमा भन्ने कुरा सोच बनाउनु पर्यो। मुक्तिनाथमा ध्यान गर्नाले के मिल्छ, मुक्तिनाथको दर्शन गर्नाले के मिल्छ भन्ने कुरा पनि हजुरहरूलाई म यो प्रवचनमा दिने छु। मुक्तिनाथमै ध्यान गर्ने से या गोसाई कुण्डमै नुहाके मुक्तिनाथ जाने से आपको सर्भर जान नै परेका। आप लोग श्रद्धालु भक्त जाने जी, आप लोग बाहर से आने वाला जी को मैं क्या बोलता हूँ, आप लोग जितने भगवान का श्रद्धालु भक्त जी है, आप लोग क्या करिए, पहला गोसाई कुंड जाइए, गोसाई कुंड में नुआ के डुबुलकी मार के गंगा के पवित्र जल में सात ताली डुबुलकी करना चाहिए। वहाँ से डुबुलकी करके आप मुक्तिनाथ जाइए। मुक्तिनाथ में जाके आप 7 दिन से 3 दिन या सकेगा त आप लोग 21 दिन भी ध्यान गर्न सक्थे। 21 दिन ध्यान गर्ने से आपको मुक्ति का प्रावधान मिलेगा। स्वर्गलोक या मृतलोक में जाने के बेला कोनो कष्ट नहीं आएगा। स्वर्गलोक में जाने बेला कोनो कष्ट नहीं आएगा। त्यहाँ बहुत भगवान का दर्शन होगा, भगवान को भक्ति का
फलदायिकता, आपले मागा वाला चीज सब कुछ मिल जाएगा। धन त धन भन्दा ठूला आपना शरीर है, धन भन्दा ठूला आपना ज्योति है। ज्योति र शरीर तन मन नहीं होगा आपको क्या मिलेगा। धन से त किसी को लाना नहीं है, धन से प्राप्त किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। धन से मिलेगा आपको क्या मिलेगा, खुशी मिलेगा एक छीन के लिए, छीण भर के लिए खुशी मिलेगा। धन उड़ जाएगा, आप लोग सब खरानी हो जाएगा। आपका शरीर में जिया है देवा माता पिताले, आपले क्या बोल, आपले क्या करना चाहिए, मुक्तिनाथ का दर्शन में भक्ति करना चाहिए। पशुपति धाम में अवर्णम शक्ति नहीं है अब के रूप में, पशुपति धाम में अवर्णन शक्ति नहीं है। पशुपति के ढोका में किन बेच करता है, देव महादेव के अपमान करते हैं यहाँ के लोग। पशुपति धाम में बसने भक्त अतंतन पापिंत वर्ग है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको गोसाई कुंड का यात्रा करो। गोसाई कुंड में आप नुहालो अनि मुक्तिनाथ में जाके भक्ति कर लो, ध्यान कर लो। अत्यंतम पवित्र स्थल है, अत्यंतम स्वर्ग का सुंदर का ढोका है। यहाँ स्वर्ग लोग भी है, स्वर्ग के ठाम में जाके वहाँ 16 दिन से ध्यान करने से स्वर्ग में गए का अनुभव का प्राप्त होगा। स्वर्ग लोग तो हमी जान, स्वर्ग का मंदिर भाँचों, त्यहाँ गए स्वर्ग को ढोका खोलनी हमी भगवान को ढोका लोक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा। हम लोग तीनों ठाउँ में जाने से आपको बहुत अच्छा होगा र बहुत आपको चाहिए खुशी का उमंग मिलेगा। आपको मानवर सर्वर भी जाना नहीं पड़ेगा। आप क्यों करोड़ों खर्च करते हो, क्यों लाखों खर्च करते हो, इधर आ जाओ हमारे भूमाग में, हमारा स्वर्ग लोक है, यहाँ स्वर्ग का पवित्र स्थल है, यहाँ लोक में आओ। अन्य लोक में काम कुछुक भी नहीं है, सर्वार में सर्वशक्ति का महादेव का अब शक्ति का धारण नहीं है वहां, क्योंकि वहां गौ माता के वध करके खाने वाला आदमी बैठने वाला ठाम है वहां, वहां पर भगवान का शिवा का शक्ति नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग देखिए, आप जोनों श्रद्धालु भक्तजन आते हैं इधर, हमको बहुत दुख लगा। शिवा के मंदिर में आपको 12 बजे इधर ढोका बंद कर दे, आप कहाँ से आते, कम दुखा करके आते, नगद नारायण खर्च करके वहां से, या सवारी या पैदल सब हिड़ने से कष्ट ही होगा ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ के जो पुजारी है नेपाल के, ये नेपाली पुजारी अत्यंत ठगुंतन तत्व में बैठा है। श्रद्धालु भक्तजान को हम बुलाते हैं देवा भक्ति ले, अब यहाँ मंदिर में बैठने पुजारी लूटने के लिए बैठते, इसी कारण देवलोक का देव कर्म में विश्वास करना चाहिए। यहाँ के लोग का भक्त अभी विश्वास नहीं करते, पहला का भक्त बहुत विश्वास करते, पहला के भक्त में सुंदरता था, स्वर्गता था, फूल का बोली था, अभी का भक्त का रूठा का बोली है, नराम्रा बोली शब्द करते। यहाँ पहला का भक्त खुकुरी तरबार कमर में भीर के टोपी, सिर में हिमाल के सिर का टोपी लगाता था, अभी इधर का आदमी अभी सिर का टोपी फेंक दिया, खुकुरी तरवार भुईमा फेंक दिया, अनि यहाँ बहादुर कादुर कुछ भी नहीं है, सब लुटानता है, लूटने का तंत्र है। यहाँ देवता के श्री संपत्ति से देवता के मंदिर के तावदान भी लूटने वाला का है। हम लोग तो आपके मंदिर में दर्शन करने आए, पशुपति धाम अन्य जानकी मंदिर विभिन्न शक्ति पीठ में हम दर्शन करते, तर हमारा 12-1 बजे पुग जाएगा था, नराम्रा दृष्टि हेरता है, ढोका लगाता है, क्या करेंगे हम, तो फिर दोबारा तो नहीं आएंगे। आपका जो मंदिर में बैठने पुजारी है वो तो अत्यंत पापी जैसा है, अत्यंत राक्षसों जैसा है, क्योंकि देव का भाषा का भवधान का रूप में पूजा करने वाला कोई भी नहीं है। त्यां का संगठन में बैठने वाला आदमी, त्यां का पुजार करने पुजारी आदमी, सब लूटने का संकेत है। कितना नगद नारायण चढ़ाया है बन के, ऐसा आंखा तान के गर्दन तान के हेरता है मंदिर में। इसलिए मैं बोल रहा हूं मुक्तिनाथ का, मुक्ति का धारण
मुक्ति का भक्ति करना चाहिए। मुक्तिनाथ में भी ढोका लगाता है, क्या क्यों लगाता है देवता के ढोका में? देवता को तो दिन भर खोलना चाहिए, बिहान सुबह 3 बजे तक, बेलुका 9 बजे तक ढोका खोलना चाहिए, श्रद्धालु भक्त को दर्शन करना चाहिए। अनु को भगवान के विश्वास आएगा, भगवान के भक्ति के ठाम में विकास का प्रावधान होगा ना। 1 सेकेंड का भी बहुत महत्व है, 1 मिनट का भी बहुत महत्व है। हम लोग वहां से आपको भगवान के दर्शन करने आते हैं, हम 33 कोटि देवता के घर में या स्वर्ग लोक कहते हैं वहां हम दर्शन करने आते हैं, तर आप लोग हमको दर्शन क्या करने देते? नहीं देते। आप लोग तो हमको गलहत्या के निकालते, आप लोग तो हमको प्रसाद कितना है, नगद नारायण कितना है, वो है तो आप पूजा करने देते, नगद नारायण नहीं है तो लात तले हिका के बाहर पठाते हो। देवता के मंदिर में बैठने या रक्षा करने वाला आदमी भी पापी है, रक्षा का धारण पूजा करने वाला भी दुष्ट है। तुम्हारा लोक में तुम्हारा लोक का आदमी लूटने वाला आदमी है, मारने वाला आदमी है, काटने वाला आदमी है, हमारा भक्त भी का लूटता है। हमें भगवान के दर्शन करने आते हैं इधर आपके मुलुक में, तर आप लोग का भक्त है हमारा बहुत लूट लिया है, हमारा बहुत खा लिया है, तर हम इसमें कुछ भी नहीं बोले। गरीबों भक्त को लूटने या हजारों करोड़ों भक्त इधर हमें लाता है, हमारे बदनाम करते हैं, अब आपके मुलुक में भक्त क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। भक्त कहता हो प्रसाद देना चाहिए, अपंगो देना चाहिए, पंचामृत देना चाहिए। जोनो मंदिर में जाओ अपंगो पंचामृत मारो, आहा क्या स्वर्ग है, अमृत अपंगो पंचामृत देता है, क्या स्वर्ग लोक का पवित्र स्थल का भक्त है बनना पड़ेगा? यहाँ तो वो भी नहीं करेगा। इसीलिए भगवान का प्रसाद का रूप का अपमान करते हो आप लोग का कर्म करधान र कर्म के रूप में कोई भी नहीं है। आपने स्वर्ग लोक, हमारे मुलुक में युद्ध लड़ाई झगड़ा होता है, आपके मंदिर में कहाँ होता है? कम होता है। अन्य मुलुक में बसने भक्तजन का लड़ाई झगड़ा बम गोला विभिन्न प्रकार का गोला बरसेता है, आपके ठाम में देवताले फूल परसाता है। इसलिए तो हम बोल रहा है आप लोग का जो भक्त है, आप लोग का भक्ति करने वाला आदमी 1-2 आदमी बहुत अच्छा है, और सब कमाने खाने लूटने मारने वाला आदमी है। इसीलिए आपका जुन बाजे था, बराजू था, जीजू बाजे था, उन्हें भगवान का भक्ति का मात्र ना, हमारा छिमेकी मुलुक का भी वहाँ सम्मान करता था। अभी तो हम लोग से आप लोग से दुश्मनी कुछ भी नहीं है, क्योंकि बैठने वाला कुर्सी वाला आदमी भी लड़ाई का झगड़ा करते। हम तो चाहते देव के मंदिर में, देव के बस में सबको घुमाना पड़ेगा, देवलोक ही भन के सबको चिनाना पड़ेगा, तो हमारा इधर का भक्त बहुत जाएगा। महीना में करोड़ों अरबों रुपया आप लोग उठाते हो, अने हमारा भक्त के लूटते क्यों लूटते हो? जो मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, हमें होटल व्यवसाय चलाए, विभिन्न प्रकार का भोजन चलाए, विभिन्न प्रकार का सवारी का चाहे रोजगारी मिलाए, विभिन्न प्रकार का होटल व्यवसाय करने रोजगारी मिलाए, तर हमको कुरु तुम किन बनाते हो? हमारा भक्त को सम्मान करो। हमारा मंदिर में जाने जो नगद नारायण पास लेता है ना, वो सरकार ले घटाना पड़ेगा। हम जोनो गांव में गया, हमको तो कर उठाता है, 1 कर क्यों उठाते हो? कर ना उठाओ, होटल व्यवसाय चला लो। हम लोग का भक्त 10 आने से 50 भक्त आता है, हमको इधर कर डस्ट डस्ट के हमारा भक्त कम हो गए। अपने लोग में, अपने भक्ति में, अपने श्रद्धा में, अपने जगह में हमारा भक्त को बहुत बदनाम हो गए। हम तो बहुत इधर भक्त लेके आते थे, इधर भक्त आने
विभिन्न प्रकार का फूल बिकता है, विभिन्न प्रकार का वस्त्र बिकता है, विभिन्न होटल व्यवसाय चलता है, विभिन्न का रोजगारी मिलता है, अनि हम लोग से झगड़ा क्यों करते है जी? मैं ये सुनना चाहता हूं, हम भगवान का भक्त आपको देश में नहीं जाएगा ना, अन्य मुलुक का आने यहां रणभूमि बनाने वाला है। हम तो अपना भी संस्कार थोड़ा मिलता है, हमारा भी मिलता है, इसीलिए तो हम आपके देव 33 कोटि देव के घर में, पशुपति नाथ कुल देवता के घर में हम लोग दर्शन करने आते, सामंता महीना में आते, हमी ठंडनतन महीना में आते, हम शिवरात्रि में आते, बहुत दिन आते है, तर आप लोग का भक्त, आप लोग का जो पुजारी है, हमारा अपमान का शैली करता है, हमारा सम्मान नहीं हुआ। सम्मान मंदिर में जाने से पूजा करने से डोका खोलना पड़ेगा, हम संपूर्ण भक्तजन को दर्शन करना तो देना पड़ेगा ना, हम बहुत दूर से आया था तर हमारा दर्शन भी नहीं दिया। ये लोकन में कोनो नौकन में देवता के पूजा करना आदमी सबन लुटन तन तरफ है। हमारे मुलुक में भी मंदिर के पुजारी लूटने वाला है, अपने की मंदिर में भी लूटने वाला है, सभी लूटी के खाने वाला है, तर श्रद्धालु भक्त को वास्ता बेवास्ता करने वाला है। वो मर जाओगी, कुलची जाओगी, लूट जाओगी, उसका लूटेरा सब श्री संपत्ति लेगा भी, वहां का पुजारी कभी खुशी नहीं होगा, मंदिर में बैठने पुजारी साधु कभी खुशी नहीं होगा। मंदिर में बैठने चाहिए खुशी से, दिल से, आप लोग आ जाइए पूजा करिए, मैं तो पूजा नहीं करूंगा, आप कहां से आएंगे, यहीं का भक्त है या बाहर का भक्त है, जो नो आ जाओ, आप सब लोग पूजा करना चाहिए, लाइन में बैठ लो, लाइन में बैठ के सबको पूजा करना चाहिए। कोई को लाइन से उधर से लाता है, नगद नारायण लेके पूजा करना सीधे मंदिर में प्रवेश देता है, कोई को दिन भर लाइन बैठेगा उसको मंदिर भीतर प्रवेश भी नहीं देता है। दर्शन करने, एक सेकेंड भी दर्शन करने शिव के मंदिर अन्य शक्तिपीठ में नहीं देता है। क्या है, कहां का नियम है? देव का कर्म का भक्ति, देव का संसार का संतान है, अन ये लड़ा का झगड़ा क्यों करते हो जी, क्यों करते हो? आपके मुलुक में हम लोग का सरकार ने भी आप लोग को सहयोग किया है, जितना आपको दिया है आप लोग की हमको वापस कर दो, कर देगा कोई, करेगा? हमारा जीजू बाजे से तुम्हारा साधन देखी ला, दुनिया दीवाना, सब कुछ औषधि सब कुछ हमने दिया है, फ्री में दिया है, कितना दिया है, तर हमको क्यों डसते हो, हमारा क्यों बदनाम करती हो? हमारा भक्त तो तुम्हारा लोक में मंदिर में दर्शन करने आने का भक्त भी लूटता हो, उनो भक्त लेके आता है उसको भी लूटते हो, तुम क्या शासन चलाते हो, क्या देश चलाते हो, क्या कुमाल चलाते हो? तुम तो नोट खाने के लिए आदमी हो, सुनुंतन कितना खा लिया, नोट खा लिया, कुनुंतन गाड़ी खा लिया, कुनुंतन प्लेन खा लिया, सब कुछ तो तुम खा लिया, अब क्या खाना है? तुम्हारा भूभाग के भाई का मनुष्य भी तुमने खा लिया है, सतोदारण में बैठने वाला आदमी, करोड़ करोड़ कर्म रूपले पराधारण नहीं है, आपके संस्कार में भगवान बहुत है, भगवान का मन था बाजे ब्राजू धारण, तर अभी का मानव का धारण नहीं है। यो विभिन्न प्रकार को भनौं हाम्रो छिमेकी भक्तहरुले चाहिँ मैले यो जुन 2020 को 2019-17 मा म पशुपति क्षेत्रमा गएको थिएँ, त्यहाँको भक्तहरु अत्यन्त आउँदाखेरि धेरै रुनु भएको थियो, किनभने देखि उहाँहरुले धेरै दुःखको कुरा गर्नु भएको थियो हामीलाई, किनभने लाइनबाट पूजा गर्न दिएर पनि भगवान शिवको मन्दिर भित्र दर्शन गर्न दिएन भन्ने कुरा आएको छ, र अन्य नगद नारायण अब 2100, 5000, 3000, 4000 दियो भने चाहिँ भित्रै लगेर पूजा गरेर दर्शन गराउने, अनि हामीले 2-4 पैसा लगेर जाने भक्तले पूजा गर्न जान पाएनौँ भन्ने कुरा चाहिँ चित्त दुखाउनु भएको छ। म यसमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भगवानको पूजा गर्ने भक्तजी या सरकार पक्षले
यस विषयमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। हामी नोट मात्र कमाउने होइन, धन मात्र कमाउने होइन, भगवानको नाममा ठग्ने कार्य नगर्नुहोस्। किनभने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले एक पैसा एक रुपियाँ एक टुका नदेई पनि हामीले भगवानको पवित्र दर्शन गराउनु नै हाम्रो ठुलो भाग्य हो, हाम्रो 33 कोटी देवी देवताको शक्तिको स्वर्ग पवित्र आमाको घर हो भनेर हामीले स्वागत गर्नुपर्ने। हाम्रा छिमेकी भक्तदेखि अन्य मुलुकका भक्तहरूलाई पनि हाम्रो भगवानको स्वर्गलोक छ, स्वर्गको पवित्र घर हो, तपाईँहरू आइदिनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। किनभने एउटा तपाईँको चाहिँ भनौँ बुद्धको कुरा गरेर बुद्ध नै भगवान हुन्, बुद्धको देश हो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ, तर बुद्ध भगवान होइनन्। एउटा भगवानको श्री सम्पत्ति छोडेर बाबुआमा छोडेर सबै छोडेर त्याग गरेर बसेको एउटा भक्त हो, उनीलाई भगवान भन्ने होइन। उनीको नाममा त हजुरहरूले जुन भन्नुहुन्छ बुद्धका धर्मका कपडा लगाउनु भएको छ, बुद्धको वस्त्रको कपडा लगाई भन्नुहुन्छ, त्यहाँ भित्रभित्र नराम्रो कार्य गर्नुभएको छ, अझै पनि गरिराख्नु भएको छ। चेलीबेटीहरूको इज्जत लुट्नेमाथिदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको लागु पदार्थहरूको ओसार पसारदेखि सुनका डलरदेखि अन्य डलरसम्म ओसार पसार चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले गरिराखेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। देव माता पिताहरूको यहाँबाट चाहिँ चाँदीको चाहिँ बनाएर लाने, अनि अरबौँ रुपियाँ चाहिँ हाम्रा भक्तजनहरूबाट अन्य मुलुकमा ठगिराखेका छन्। यो गर्नु भनेको अत्यन्त पाप काम हो, अत्यन्त गलत काम हो। त्यस कारणले एउटा बुद्ध भनेको एउटा चाहिँ मानव हो, त्यो मानवलाई देवता कसले बनाउन खोज्यो, त्यो मानव यो भूमिलाई रणभूमि बनाउन खोजेको भन्ने देवताको प्रवचन हो। देवताको शक्तिको प्रावधानले यो देखिएको छ कि एउटा न एउटा केही ल्याएर वार गर्न खोजिएको छ, यस्तो नगर्नुहोस् यो देवलोकमा भन्न चाहन्छु म। त्यस कारणले अहिले एउटा के पनि देखिएको छ भने एउटा यहाँ भएको राजधानी या भनौँ देवलोकको स्वर्ग जस्तो पशुपति धानको स्वर्गलोकमा राजधानी भएको थियो, यो राजधानी अन्य मुलुकमा सार्ने भनेर यहाँ मानवले भनिराखेको छ। भोलि रक्तपातको खेल खेल्न खोजिएको छ, यो रक्तपातको खेल खेल्ने भक्तलाई धेरै कठिन पर्नेछ, त्यो भक्त अब यो मुलुकमा नरहन पनि सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। किनभने पापन्त काम धेरै भइसकेको छ, त्यो पाप गर्ने भक्तको अब जीवन र मरणको अन्त्य उनी निश्चित भइसकेको छ। किनभने देवताको श्री सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउँछन् भने देवताले पनि सजाय दिन्छन्। त्यस कारणले म देवता भक्ति र भगवान र भगवानको भक्तिपट्टि अत्यन्त विश्वास गर्छु। देव र कर्म रे जनमृत्यु लोकलाई स्वर्ग र पवित्र ठानौ, हामीहरू कुर्ची बस्नेदेखि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जुनै हवन सुधारिने मौका गर, यो देवलोक हो भनेर विश्व चिनाउने गर। पाप र धन मात्र ठुलो होइन हेर, राजा र प्रजा पार्टी पङ्क्ति ठुलो होइन, स्वर्ग आमाको भूमि रहे हामी रहन्छौ भन, सबैले गरेको पाप हामी अब गर्दैनौ भने, नौशाली नदी गङ्गा माताको मागै यदि सक्दैनौ भने तिमीहरूले बचिन पाउँदैनौ। भव देवताको पुण्य धारण गर्ने जल गङ्गामा गहिनौ, तिमी कुर्चीमा बस्ने मानव लोभ र पाप र कुर्ची मात्र खोज्छौ भने देवताले देलन सजाए। पाप नै भन्दा पनि देव कर्म भूमि हो यो, देव कर्म भूमि रहे अन्य मुलुकका भक्त है हाम्रो भोजन मिल्छ भनौ। अन्य मुलुकका भक्तहरूको आउनको लागि हाम्रो यो देवलोक हो, शुभ शान्ति छ, झगडा छैन, लडाइँ छैन, हामी खुसी छौँ, फुलै फुलको उमङ्गको मन छ, तपाईँहरू आउनुहोस् हाम्रो द्वारमा स्वागत छ भन्ने बाटो गर्दै गरौँ भन्दै अहिले शुभ बिहानीबाट बिदा हुन्छु। जय देश, जय विश्वभूमि आमा।